लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ कन्नो और मन्नो, आओ और देखो केके की शान और उसके जीने के अंदाज। ए केके, ये सब तू अपन को बाद में देखा ना क्या? पहले तू हम लोगों को उन लोगों से मिला दे जिन लोगों को देखने के लिए हम तुझे जहर देने के लिए तैयार हो गए। बहुत जल्दी है अपनी महबूबाओं से मिलने की। हमारे मेहमानों से नहीं मिलोगे जो बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं कि तुम लोग उनके लिए माल लेकर आओगे। जेंटलमैन, यही है वो नाली के कीड़े जिन्होंने केके जैसे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। पिछो, बांध दो इन दोनों को। साला, हमसे धोखा करता है? तू तो हमसे कहता था कि तू हमको छोड़ डालेगा। बिच्छू कहता नहीं, काटता है। और बिच्छू का काटा मारता नहीं, ताड़ता है। बांध दो इन्हें। घर में। चल अभी। डैड, हमारा माल तो आ गया, मगर अपनी बेइज्जती का बदला इनसे कैसे लेना है? बेटे, केके अपनी दुश्मनों की जिंदगी का बही खाता उस वक्त तक बंद नहीं करता जब तक उनका हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। जेंटलमैन, केके ने तुम्हारी दौलत के बदले में कोकीन और हेरोइन का नशा तो दिया ही है, लेकिन आज उसके साथ साथ बोनस में खूबसूरत नशा भी देगा। ये कोई महाभारत के दुर्योधन की सभा नहीं है जहाँ द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण आ जाएगा। ये केके का दरबार है जहाँ इन लड़कियों को बचाने के लिए ना कृष्ण आ सकता है ना कोई भगवान। केके, तेरे जैसे मामूली राक्षसों को मिटाने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। अरे उसके लिए तो एक सिपाही की बीवी ही काफी है। केके, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सब अपने हथियार फेंक दो। मुझे मालूम था कि तू माल लेकर भी कन्नू और मनु से दगा करेगा, इसलिए मैं छिपकर तेरी मौत बनकर आई हूं। नीलू, कन्नू और मनु को खोल दो। मैंने आपसे कहा था ये पाप के काम एक दिन हमें ले डूबेंगे। आपने दौलत कमाने के लिए खुद तो ना जाने क्या क्या पाप किए, साथ में अपने बेटे को भी गुनाहों की दुनिया में धकेल दिया। डैड, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डैड, हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। डैड, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं दीदी। दीदी, तुम जाओ तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं अपने बाप के खिलाफ गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा दीदी। दीदी, मैं तुम्हारा, तुम जाओ तो मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। Oh, my God.
पंकुला, तूने सोचा था कि इंस्पेक्टर सिन्हा को मारकर तेरे रास्ते की दीवार हट गई? देखे, देश की आन पर मरने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते, और उनके जिस्म से टपके हुए एक एक खून की बूंद से हजारों सिपाही पैदा हो जाते हैं। जहर तू लोगों के रगों में भरता आ रहा है, आज वही जहर मैं तेरे नस नस में भर दूंगा। Mommy,